हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओ माय गॉड फैक्ट पर। और आज मैं आपके लिए लाया हूं 10 ऐसे रोचक और मजेदार फैक्ट्स जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पूरी दुनिया में अभी 2022 चल रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप गलत हैं। दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां अभी 2014 ही चल रहा है। और आखिर वो दुनिया का कौन सा देश है जहां गैस, पानी, बिजली सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है? वो शख्स कौन है जिसे इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड करने के 7 करोड़ रुपए मिलते हैं? और आखिर कहां होता है धरती का अंत? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही और भी ऐसे कई मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देश और दुनिया के 10 मजेदार फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों पूरी दुनिया में 2022 चल रहा है, पर आपको बता दूं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां फिलहाल 2014 ही चल रहा है। जी हां, अफ्रीका में एक ऐसा देश है जिसका नाम है इथियोपिया। इस देश का कैलेंडर दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। और सिर्फ यही नहीं, यहां साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। बात दरअसल यह है फ्रेंड्स कि 1582 में पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। इससे पहले जूलियन कैलेंडर का यूज किया जाता था। जब यह नया कैलेंडर यहां आया तो सभी देशों ने इसे अपना लिया, वहीं कुछ देशों ने इसका विरोध भी किया। इथियोपिया भी उसी में से एक देश है जो मानता है कि ईसा मसीह का जन्म 7 BC में हुआ था और इसी के अनुसार कैलेंडर की गिनती शुरू हुई। यही वजह है कि वहां का कैलेंडर अब भी 2014 में ही अटका हुआ है, जबकि पूरी दुनिया 2022 में जी रही है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों गूगल पर आपने दुनिया की बहुत सारी जानकारियां सर्च की होगी, पर क्या आपने कभी गूगल पर SQ लिखकर सर्च किया है? अगर नहीं किया हो तो एक बार जरूर करके देखें। जब आप गूगल पर SQ सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस तरह टेढ़ी हो जाएगी। है ना ये कुछ नया और मजेदार ट्रिक। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों भारत में बढ़ते कैफे कल्चर की वजह से कॉफी के दीवानों भी बढ़ते जा रहे हैं, पर क्या आप दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कॉफी के बारे में जानते हैं? नहीं ना, तो मैं आपको बता दूं कि इस कॉफी का नाम है डेथ विश कॉफी। इस कॉफी के स्ट्रॉन्ग होने की वजह यह है कि इसमें नॉर्मल कॉफी से 200 गुना ज्यादा कैफीन होता है। इस कॉफी की खासियत यह है कि इसे पीने के बाद आपको लगभग 3 दिनों तक नींद नहीं आएगी। फैक्ट नंबर 4, गैस, पानी, बिजली, यही वो बेसिक जरूरतें हैं जिन पर भारत जैसे विकासशील देश में राजनीति की जाती है। यहां के नेता मुफ्त बिजली देने के बदले वोट मांगते हैं, पर दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां लोगों की भलाई के लिए ये सब बेसिक चीजें मुफ्त दी गई है। चौंकिए मत दोस्तों, यह कोई मजाक नहीं है। पूरी दुनिया में तुर्कमेनिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसने 1993 में यह कानून बनाया था, जिसके बाद से सभी के लिए बिजली, पानी और गैस मुफ्त किया गया था। और लगभग 25 सालों से भी ज्यादा समय तक यहां की जनता को ये सभी सुविधाएं मुफ्त में दी गई है। हालांकि 2018 में यहां नया कानून आने के बाद इन सभी सुविधाओं के लिए बिल का भुगतान करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों सोशल मीडिया का एक और प्लेटफॉर्म बड़ी तेजी से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंस्टाग्राम की। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे कि इंस्टाग्राम से भी लोगों की अच्छी खासी इनकम हो जाती है। कुछ फेमस लोग यहां से महीने का लाखों कमाते हैं और कुछ करोड़ों भी कमाते हैं। पर क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी शख्स है जो इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक पोस्ट डालकर लगभग 7 करोड़ रुपए कमाता है? जी हाँ, ये कोई और नहीं, हम सभी के चहेते महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जिन्हें इंस्टा पर हर एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए 6.9 करोड़ रुपए मिलते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों कई बार ऐसी बातें हमारी रोज की दिनचर्या में होती है जिन पर हम गौर नहीं करते हैं। आज का ये फैक्ट भी कुछ ऐसा ही है। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजी के सबसे कॉमन अल्फाबेट है ABCD, यही सिखाते हैं ना हम अपने बच्चों को। पर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि यदि आप 1 से 99 तक की स्पेलिंग लिखते हैं
तो इसमें कहीं भी ABCD का यूज नहीं होता है। इसे भी एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा दोस्तों। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आज का फैक्ट नंबर 7 आपकी सेहत से जुड़ा है। आज के इस दिखावे वाले दौर में हम सभी चाहते हैं कि हमारे दांत सफेद और चमकदार हो, और बरसों से टीवी पर टूथपेस्ट की एड देखकर हमें लगता है कि दांत तो सफेद ही होने चाहिए। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर आपके दांत सफेद और चमकदार हो गए हैं तो मतलब वो कमजोर हो गए हैं और आपके लिए कभी भी परेशानी का कारण बन सकते हैं, क्योंकि दांतों का प्राकृतिक रंग हल्का पीला होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे दांत कई परतों से मिलकर बने होते हैं। हम टूथपेस्ट की मदद से इन परतों को नुकसान पहुंचाते हैं और दांत सफेद और चमकदार लगने लगते हैं। अब ये आपकी चॉइस है दोस्तों कि आपको दांत खूबसूरत चाहिए या मजबूत। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों अब बात करते हैं भारत के स्टार प्लेयर विराट कोहली की। भारत के कप्तान विराट कोहली अपनी फिटनेस रूटीन में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ते। विराट सबसे फिट क्रिकेटरों में से एक है। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के अलावा एक और चीज है जो उनकी फिटनेस को बरकरार रखती है, और वो है पानी। आपको बता दूं कि विराट सिर्फ एवियन का बोतल बंद पानी ही पीते हैं। एवियन जो एक फ्रांस की एक कंपनी है, इसके एक लीटर पानी की कीमत 600 रुपए है। बताया जाता है कि यह पानी वजन घटाने, तनाव दूर रखने तथा त्वचा को अच्छा रखने का काम करता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों भारत देश में अब तक 13 प्रधानमंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं। भारत में प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा पद माना जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री को भी नोटों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि नोटों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास होता है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, भारत में एक ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने नोटों पर हस्ताक्षर करने का गौरव प्राप्त किया है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको बता दूं नोटों पर हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री कोई और नहीं, मनमोहन सिंह जी हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले वो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह जी सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों हर सिटी का एंड होता है, हर स्टेट का एंड होता है, हर कंट्री का एंड होता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती का एंड कहां होता है? अगर नहीं तो आपको बता दूं, तस्वीरों में आप जो ये खूबसूरत दृश्य देख रहे हैं, इसे ही धरती का अंत माना जाता है, और ये जगह है ससेक्स, इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसके आगे धरती नहीं है, क्योंकि जब आप इस जगह पर खड़े होकर सामने देखेंगे तो आपको या तो बादल दिखाई देंगे या सिर्फ पानी। इसी वजह से यह जगह टूरिस्टों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 होश उड़ा देने वाले ओ माय गॉड फैक्ट्स। इसमें से आपको कौन सा वाला फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं जल्द मिलूंगा आपसे अपने अगले ओ माय गॉड फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।